इसका लुक देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारा प्यारा है। इंजन की पट्टी वट्टी देख लें आप, बैटरी वैटरी सस्पेंशन से इंजन से हो गया गाड़ी। इंजन में कोई काम नहीं है, इंजन बिल्कुल ही सुन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये देखिए आप, सोहेल एम एन वर्ल्ड के साथ मैं हूँ। सोहेल आज जो आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ, कैबर सुजुकी कैबर 92 का मॉडल है, और आए मैं इसको आपको चारों साइडों से दिखाता हूँ। गाड़ी में थोड़ा काम है, काम वाली गाड़ी है, 92 का मॉडल है, बाकी गाड़ी आपके सामने है, बाहर से आप देख सकते हैं गाड़ी। ये आप एक साइड से देख लें इसको, बैक साइड से आप देख लें, बैक साइड से गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी कंडीशन में है, और छत भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत है, अपना टचअप है, काम वाली गाड़ी है, और कीमत भी इसकी भाई ने सही बताई है, मैं लास्ट में वीडियो में आपको बता दूंगा। चलो आपको मैं साइड से दिखा, दोस्तों आप इसको जो है लेफ्ट साइड से देख लें, गाड़ी का लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक है, 92 का मॉडल है और बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, बाकी तो थोड़े बहुत टचअप हैं, आप वो आपके सामने है। चले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ साइड से, अंदर साइड से, तो अंदर से इसका लुक देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा लुक है, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है, और बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये इसका डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा डैशबोर्ड है इसका। चले जी आप इसको सीटें देख लें, सीटें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हैं नीचे से, और नीचे से जी एक एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह आप देख लें, और डैशबोर्ड की साफ सुथरी अच्छी कंडीशन में, बाकी देखिए गाड़ी बिल्कुल अपनी जोड़ में, सिर्फ थोड़ी बहुत गाल गुल है लेकिन वो इतनी नहीं है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी बहुत जोर इसकी साफ़ सुथरी है, और छत की बात करें तो छत भी इसकी साफ़ सुथरी है, थोड़ा चलेंगे ये बैक साइड से। ये देखिए जी अंदर से बैक सीट से गाड़ी बिल्कुल ओके है, साफ़ सुथरी है, बैक सीट भी देखें जी, बैक सीट भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और देखिए अपने जोड़ों में है गाड़ी, कलर भी है इसका जो है बहुत ही लाइटिंग वाला कलर है रेड में, और जी ये देखिए अंदर से देखिए माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में, गली गुली गाड़ी नहीं है, पेट्रोल पर स्टार्ट है, 92 का मॉडल है, इंजन सस्पेंशन से बॉडी से गाड़ी में सिर्फ थोड़ी बहुत छत आप देख लें इसका। बोनेट भी देख लें, बोनेट भी बिल्कुल साफ है भाई का, देख लें आप, थोड़ा बहुत ही टचअप है वो भी बाहर से, बाकी तो कलर जो है ना माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा है, इंजन से सस्पेंशन से डॉक्यूमेंट से गाड़ी बिल्कुल ही क्लियर है, और कीमत भी वो सही वाली कीमत है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी 1 लाख की हो तो मैं आपको 2 लाख बताऊँगा, नहीं कीमत वो जो सही होगी वही आपको बताएंगे, और मैं कोशिश भी करता हूं कि मैं अपने चैनल पर वो गाड़ी दिखाऊं जो बिल्कुल ही साफ सुथरा। तो सर बॉनेट आप देख सकते हैं, उसका इंजन रूम देखिए बहुत ही साफ़ सुथरा इंजन रूम है, इंजन पट्टी देख लें आप, आगे का शो देख लें और बिल्कुल साफ़ है, ये इसका लेफ्ट साइड का कुप्पा आप कुप्पा देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और जी ये इसकी टिकली लगी हुई है, ये ड्राइविंग साइड का कुप्पा है, बाकी इंजन माशाल्लाह इस बाइक ने बहुत ही मेंटेन रखा है, बहुत ही साफ़ सुथरी अंदर से आप देख सकते हैं जी, ये इंजन है इसका, इंजन का साउंड देख लें आप सेलेब पे गाड़ी स्टार्ट है, इंजन में कोई काम नहीं है, इंजन बिल्कुल ही सुन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, ये देखिए आप बिल्कुल इंजन वगैरह में गाड़ी ओके है, सस्पेंशन भी ओके है, पार्टी भी ओके है सही है, और आप गाड़ी को देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल ही साफ़ सुथरी है माशाल्लाह, 92 का मॉडल है, बाकी थोड़ी सी बाहर से टचअप है, बाकी टायर वगैरह सारे सही हैं, अलार्म में लगी हुई है, और गाड़ी घर के रखने जैसी है, और कीमत इंतहाई मुनासिब कीमत है इसकी। दोस्तों ये गाड़ी अफजल भाई के पास मौजूद है, जिसको भी चाहिए तो उसका नंबर मैं दे दूंगा, आप नंबर उनका शोर है, आप उनसे रब्ता करके ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं, और गाड़ी घर में रखने जैसी गाड़ी है, पाँचों टायर गाड़ी के नए हैं, इंजन से सस्पेंशन से बॉडी से डॉक्यूमेंट से गाड़ी क्लियर है, बाकी तो आपके सामने है, जो भी कंडीशन आप देख सकते हैं गाड़ी में कोई काम नहीं है, लेने और चलाने वाली है, सिर्फ बाहर से हल्के फुल्के टचअप हैं वो भी आपके सामने ही है, बाकी तो आप देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह, टायर देखें, टायर भी ज़बरदस्त कंडीशन में है और साफ़ सुथरी कंडीशन है गाड़ी की। चलिए जी इसी के साथ अपने भाई सवाल हमेशा को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगाह।